Former Mr. India contest winner Manoj Patil, age 29, attempted suicide at his residence in Mumbai's suburban Oshiwara on the 16th of September. He had tried to take his life by consuming some pills, after which he was rushed to Cooper Hospital. A few days before his attempt to suicide, he had reportedly submitted a letter to the police demanding action against Bollywood actor Sahil Khan for allegedly harassing him, defaming him on social media, and creating problems in his professional life. Patil had highlighted the same allegation in his suicide note. After the news of the allegation surfaced on social media, now Sahil Khan has called for a press conference to clear his name. At the press conference, speaking on the matter, Sahil said that the whole thing is between Manoj Patil and a person named Raj Faujdar. Patil, 29, had earlier claimed that he was also facing cyberbullying and accused actor Sahil Khan of harassing him. मेरे ख्याल से सबसे पहले हमको ये समझना होगा सबसे पहले कि ये मुद्दा मेरा और उनका है ही नहीं. ये मुद्दा उनके और राज फौजदार के बीच में है. तो राज फौजदार ने उनको 2 लाख रुपए दिए और उन्होंने उनको स्टेरॉइड दिए और वो स्टेरॉइड एक्सपायर थे जो 2019 में दिए थे. उसके बाद वो पैसे मांगते रहे. जब राज फौजदार को हार्ट में प्रॉब्लम आई और पैसे उनको वापस नहीं मिले तो ये मेरे मुझे जुनैद कलीवाला को और काफ़ी एथलीट को इन्होंने कांटेक्ट खुद किया. ये सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं. हाँ, मैंने अब आप बताइए. मैंने उनसे बात चल रही थी मेरी मनोज पाटिल सर से, तो मैंने उनको पैसे के लिए बोला. मुझे फेक प्रोडक्ट फेक स्टेरॉइड दिए गए थे, तो मैंने उनको ये बात बोली कि एक्सपायरी बाहर कुछ है अंदर कुछ है. तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, मैं आपको बात करता हूँ, आगे करता हूँ, थर्ड पार्टी से यहाँ से मैंने लिए हैं, मैं आपके पैसे दे दूँगा. एक दो साल से यही चल रहा है सब, पर बोले कि लॉकडाउन हो गया है तो अभी रुको, मैं बात करता हूँ, बाद में दूंगा. तो ऐसे ये टाइम निकल गया. तो मैंने कुछ 20-25 दिन पहले ही बात की, तो उन्होंने मुझे गालियाँ दी तो मैं समझ गया था ये पैसे नहीं देंगे. और मेरे प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने बहुत दिखाया, मेरे पेट में एक साल से लगभग प्रॉब्लम है, लूज मोशन रहते हैं, और अभी थोड़ा अच्छा है पहले से. मेरी स्किन ख़राब हो गई है, पूरा फेस ख़राब है, देखो दिख भी रहा होगा, डैमेज है स्किन. और मेरे हार्ट में अभी तक प्रॉब्लम है, मैं सोता हूँ या एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो कभी कभी बहुत दिक्कत होती है. तो मैंने उनको ये बात बोली, मेरी हेल्प करने के लिए कोई आया नहीं. काफ़ियों को मैंने मैसेज किए, तो मैंने साहिल सर को मैसेज किया अपनी साइड से. मैंने बोला कि हेल्प करो मेरी, मुझे पैसे चाहिए, और ये जो गलत काम कर रहे हैं, फेक स्टेरॉइड वगैरह बेच रहे हैं, ये इनसे किसी की जान जा सकती है. मैंने टेलीविज़न पे देखा, टीवी पे, जैसे बहुत डेथ हो रही है स्टेरॉइड की वजह से, वो भी फेक. तो मैंने ये बात साहिल सर को बताई, तो उन्होंने मेरी हेल्प की. बस यही है, बाकी उन्होंने मुझे गालियाँ दी, धमकियाँ भी दिलाई कि मार दूंगा साले, तू यहाँ मुंबई आके दिखा, मैं मराठी हूँ, मैं पाटिल हूँ, मेरा नाम पाटिल है, तू आके दिखा साले, पैर भी रख जा, जहाँ मिल गया तो तुझे साले काट दूंगा. मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग भी है जो उनके नंबर से है पूरी, मैंने जो व्हाट्सएप पे कॉल की है उन्होंने, मैंने वो दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, उनका नंबर है. दूसरों से भी गाली दिलाई हैं, मुझे धमकियां दिलाई हैं, और मैं फ़ोन भी कराते रहते हैं. मैंने अभी अपना मैं कॉल नहीं उठाता किसी का, इसीलिए क्योंकि मुझे धमकियां देते हैं वो लोग. ये मैंने कंप्लेंट, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, नॉलेज मुझे इसलिए नहीं थी. बाकी मैंने कंप्लेंट इसलिए भी नहीं की क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे. मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, फार्मर फैमिली से, तो किसान है मेरे पापा, तो जैसे तैसे अफोर्ड किया. मैंने बाइक बेची थी अपनी, मुझे बॉडी बनानी थी, तो मुझे पता नहीं था ऐसा फ्रॉड होगा मेरे साथ. मैंने सोचा कि पैसे मिल जाए वो अच्छी बात है, बाकी मुझे गालियाँ मिलने लगी, पैसे नहीं मिले. तो मैंने ये स्टैंड लिया बाद में, क्योंकि साहिल सर ने मेरा साथ दिया, सच का साथ दिया बस. तो मैंने ये स्टैंड ले लिया क्योंकि सारे प्रूफ है मेरे साथ, सारे, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे पास जो मैंने ट्रांजेक्शन किए हैं वो हैं मेरे पास, उनकी स्लिप है. उन्होंने बोला है कि मैंने दिया ही नहीं, तो मेरे पास उनकी स्लिप भी है, कुरियर की है. जो बाकी जो सामान दिया वो मैंने रखा हुआ है, मैंने उनको भी बोला ये चीज़, बोल रहे थे कि हाँ मैं आपको रिकॉर्डिंग बताओ और सामान मेडिकल फोन भाई मेडिकल भी ये है, जैसे आपने कहा फोन में प्रॉब्लम है. हाँ, आपने अपने स्किन के बारे में कुछ कहा, हाँ, उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ, ये रिपोर्ट है, इनके बाद ही कराया मैंने, वो मुझे ऑनलाइन की थी. मेरा फोन ना ये मैंने चेंज किया हुआ, वो डिस्प्ले फूट गई है उसकी, तो मैं उनको आपको बाद में दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. बाकी जो मेरे पास है अभी फिलहाल वो दिखा दूंगा मैं, ये है सारी.
ठीक, ये क्या है? ये सारी, ये पूरा है देखो, ये मैंने 4-5 हज़ार रुपए के कराए थे, ये मेरे प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने सारे टेस्ट कराए हैं, देख लो डेट भी देख लो। देखो एक मिनट, हाँ मैं वही चला रखा था, इससे पहले मैंने कभी यूज नहीं किया और मुझे पता भी नहीं था क्या चीज़ है, मैंने तो ट्रेनिंग के लिए बोला था, उन्होंने स्टार्टिंग में ही मुझे यही थमा दिया, बोले इससे ही बॉडी बनेगी चलाओ आप, तो मुझे नॉलेज नहीं थे, देखो मेरा क्या क्या बड़ा हुआ है, ये 240 होना चाहिए सीरम और 1987 है, इसी की वजह से मेरा फेस खराब हुआ है, देखो सारे सबूत है मेरे पास। और वो बिल्स जो पैसे के उसका प्रूफ है? हाँ हाँ वो मेरे फोन में है, वो भी दिखाओ जो है अभी फोन, जो जो इसमें वो दिखाइए, प्रोडक्ट क्या क्या है वो दिखाइए, सब दिखाइए। प्रोडक्ट ये है, इसके डेट एक्सपायर कैसे पता चले, यकीन कैसे करें कि आप सच बोल रहे हो, बताइए। देखो बाहर देखो, तो आपने लेते वक्त वो देखा नहीं कि वो? ना ना लेते वक्त देखा था मैंने, जैसे ही मेरे पास आया मैंने उनको बोला कि भाई इसमें अलग है एक्सपायरी, बाहर कुछ है अंदर कुछ है, बोतल पे भी देखो, बोतल दिखाता हूँ, मैंने यूज नहीं किया है पूरा, मैंने ये रोक दिया बीच में, एक मिनट दिखाता हूँ, ये मैच करो देखो, ये टेप लगा हुआ है, ये फ्रेश डब्बा मैंने कुछ किया भी नहीं है, टेप दोनों पे लगा हुआ है ऐसे ही, मैंने ये बात ही बोली, बोले ऐसा ही आता है, बार कोड भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये मैंने सब बोला उनको, बोले कि तू यूज करिए, मैंने 3-4 बोतल यूज भी कर ली, उनके बोलने से ट्रस्ट था मुझे, जब मुझे साइड इफेक्ट हुए तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे पैसे वापस दो, मैंने यूज नहीं किया आपका सामान, मैं वापस कर रहा हूँ, तो उन चीज़ की जो बात हुई है मेरे से, उन्होंने बोला है कि मैं कोई नहीं आगे डीलर से बात करता हूँ, मैंने पैसे पेमेंट कर दिए, मैं आपको कहाँ से दूंगा, मैं बोला कि भाई मैंने आपसे सामान लिया है, आप ही मुझे पैसे दोगे, मैं किसी के पास, मुझे क्या पता आपने कहाँ से लिया है, तो बोले कि तुझे जो करना है वो कर, मैं पैसे ही नहीं देने वाला, मैंने पैसे पेमेंट कर दिए, तो यहाँ से मैंने मुझे स्टैंड लेना पड़ा, फिर उन्होंने धमकियाँ शुरू कर दी हैं, धमकियाँ दी हैं मुझे काफ़ी, उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, फ़ोन कहाँ है भाई मेरा, फ़ोन दो इनका, फ़ोन दो, फ़ोन ये आपके पास है, सुनाइए, सॉरी सुनाता हूँ, आपको नंबर भी दिखाऊं, यहाँ पे माइक पे गाइए, वी हैव दैट इन हाउस माइक, विद इन हाउस माइक, नहीं नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा स्पीकर पे करते हैं, ओके रुको एक मिनट, मेरा नंबर देख दो, ये मामला कब का है, कौन से ईयर का, 2019-2020 कभी था ये, ये है 2019 का, हाँ हाँ जो आधा निकल गया था 19, ये तो मुझे 5 दिन पहले मिले हैं, अच्छा, मैंने वही कहा कि भाई 2019 से आप तक क्यों रुके हुए हो, तो बोले भाई वो बोला था दूंगा, तो मैं, मुझे पैसे चाहिए थे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये खत्म कर लीजिए, सुनो पहले, इधर है, नंबर उनका है और उनके नंबर से आया फोन, फिर से बताता हूँ, ये लीजिए पहली से, मनोज पाटिल से बात कराना, दूसरों पे क्या गाली दिलवा रहा मुझे, हाँ और साले वो कहाँ है, रोहिला कहाँ है, वो सोहेल रोहिला, साले हरामी औकात है नहीं तुम्हारी, साले फ्रॉड करते हो तुम, फिर गाली देते हो, हैं साले शर्म है नहीं, मैं मनोज का फैंस बोल रहा हूँ, साले कमीनो, घर में तुम्हें क्या सिखाया जाता है, हरामी हो, हरामी हो, साले हरामी हो, सुन तेरी माँ नहीं है, माँ देख ले अपनी, देख ले साइड में, इससे पहली रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ मैं आपको, इससे पहली जो मैंने मुझे पता नहीं था, पहले मनोज पाटिल उनका नंबर है, ये नंबर देखिए कौन सा है, ये नंबर जिसमें गाली आ रही है, ये नंबर का फिर पढ़ के बताओ, ये नंबर देखिए, ये मुझे गुस्सा आ गया था, उन्होंने मुझे गालियां काफी दी, ये जो आप सुन रहे हैं आप लोग, ये फोन नंबर क्या है जरा पढ़ के बताएं, क्या नंबर है आप लोग खुद देख लीजिए, ये किसके फोन से आ रहा है, ये मनोज पाटिल का खुद का फोन है, मुझे मनोज पाटिल ने दी पहले, ये रीड कैसे होगा देख लीजिए आप लोगों को, ये देखिए, ये लीजिए पॉज कर दिया है, ये नंबर देख लीजिए, दूसरी चलाइए भाई, ठीक है,
इसी नंबर से आया ना कि झूठ बोल रहा हूँ मैं? पहली रिकॉर्डिंग, इससे पहली रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ, मेरे नंबर ऐड था तब मैंने हटाया, मुझे पता थी। ये कब की बात है? ये 5-6 दिन पहले की बात, 2-3 दिन पहले की बात है। देखना आप कोई आवाज़ बोल रहा है, मनोज का नंबर है ना, नंबर तो मनोज का है ना, ये मनोज का पाटिल, मनोज पाटिल का नंबर है ना, ये भूल गया क्या? मनोज पाटिल का नंबर है ना ये? अरे भाई यहाँ पे आ, देख मनोज भाई के लिए कितने जन खड़े हैं, मनोज भाई बैठ गए आराम से, वो बोलते भाई मेरे फैंसी संभाल लो। ये मनोज पाटिल के नंबर से कर रहा है तू, तो जो करा रहा है, कभी मनोज बोल रहा है, कभी तू बोल रहा है। अरे सुन, तेरी गांड फाड़ दूंगा मैं भोसड़ी के, फालतू मत बोल, गाली मत दे। अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है इस नंबर से, अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है इस नंबर से, अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तू जितना बोल रहा है ना इस नंबर से, अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तेरी माँ जो, अब मैं बताऊंगा आपको भाई, इससे इस नंबर से मुझे पहले खुद मनोज पाटिल का कॉल आया था, उन्होंने मुझे दवा के गालियां दी, तब मुझे गुस्सा आया, थोड़ा मैं गलत बोला हूँ ना, इसीलिए बोला हूँ क्योंकि दवा के गालियां दे रहे थे, भड़का रहे थे, कह रहे थे तू आके दिखा मुंबई साले, तेरे काट देंगे, पता नहीं चलेगा, मुंबई आके दिखा तो ये जान से मार देंगे। तो इन्होंने फिर जब मैंने फ़ोन अपना लिया, दूसरे का फ़ोन लिया, किसी का मैंने फ़ोन लेके, ये व्हाट्सअप कॉल थी, तो मैंने इसे रिकॉर्ड किया, वहाँ से इनकी कॉल आ रही थी मुझे, वहाँ से रिकॉर्ड किया मैंने ये, वो मनोज पाटिल की आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर ये उनका नंबर है, अगर कोई गाली दे रहा है मेरे पास, कॉल कर रहा है उनके नंबर से, तो उनका फॉल्ट है ये, उन्होंने पहले गाली दी, ये गाली तो कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा उनके बारे, उनसे तो मैं गलत बोला ही नहीं, उनसे गलत नहीं बोला, मैं बोलता रहा सबकी माँ बहन एक है, आप मेरी माँ बहन को इन्वॉल्व ना करो। ये लीजिए, ये किसकी आवाज़ है? देखो भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने इनके पैर छू दिए, मैंने रेस्पेक्ट दी, इज्जत दी इनको, भाई सबको राम राम, मैं राज फौजदार, भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आगे किसी के साथ गलत ना हो कभी। कुछ टाइम बाद उन्होंने एक्सपायरी और उसका इतना मुझे मिला है अभी बोली, भाई मेरा कोई वो नहीं है, मैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि दी क्यों दी मुझे जब गारंटी नहीं है, को साला अब मरी जाता मैं इनसे, ये एक्सपायरी है, कुछ भी कुछ बॉडी है भाई, ये कुछ भी हो जाए, क्यों भाई फेस खराब हो गया था, मैंने आपको बता ही था रेड रेड हो गया था भाई, क्या भाई क्या यूज किया आप, ये वही इंसान है, ये वही आदमी है जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, कईयों के साथ किया होगा, मैं नहीं, इन कितनों के साथ किया होगा। और इसके बाद ये तो बहुत सारा है, आप में से जितने लोग हैं IGTV पे, मेरे Instagram पे, YouTube पे जाइए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आपने जो दिया मैंने ले लिया। भाई तेरी ये बता एक बात, तेरी माँ नहीं है क्या भाई? मेरी क्या गलती? अच्छा भाई मैं ये बताऊँ, मैं किसी से लूँ, दुकान से लूँ तो लौट वापस नहीं करेगा कोई गलत चीज़, केस भी हो जाता है इस चीज़ पे तो भाई। मैंने बोला था आपको तो भाई मैं ये क्या है, क्या ये चीज़, ये तो बता दो मुझे तो भाई। पेप्टाइड में आता है तो आप, मैंने कभी बोला आपको पेप्टाइड चला दूँ मेरे? दिखाओ किसका नंबर, मैं कोई, ये देखिए जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, आपके सामने अभी मैसेज आया है किसी और का व्हाट्सएप पे, ये नंबर है, ये देखिए, सर मैंने मनोज सर को बोला पैसे के लिए, अगर नहीं मिला तो कल FIR फाइल करूंगा, ये नंबर है, आप में से कोई देख ले, बोल दो नंबर ना दिखा, हाँ ट्रांजेक्शन का दिखा रहे हैं वो। ऐसे बहुत सारे लोग अब हम लोग को, ये देखिए ये नाम देखिए, ट्रांजेक्शन बिल, ये दूसरा आदमी है, ये राज फौजदार नहीं है, ये दूसरा आदमी मनोज पाटिल के लिए बोल रहा है, इसके ट्रांजेक्शन मनोज पाटिल लिखा है या नहीं लिखा है, ये अभी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ये लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, ये इतना बड़ा रैकेट है ड्रग का, स्टेरॉइड का, कि पहले फेक सप्लीमेंट सिर्फ बेचते थे लोग,
अब फेक स्टेरॉइड बेचते हैं, तभी आप देखते हैं, कभी पहले सुनते थे कि जिम में बैठे बैठे कोई मर गया, अब क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी कुछ भी बेच रहा है किसी को, क्या ये अलाउड है इस देश में? और मैंने इनको सपोर्ट किया, सोशल नेटवर्क पर डाला, तो सिंपति लेने के लिए आदमी कोई अगर ये बोल दे कि एक लेटर लिख दे और मैं जान देने जा रहा हूं, और ये सब जो हो रहा है वो क्या पैसे मैंने लिए 2 लाख रुपए? बोलिए, आपने साहिल जी के पास आप आए उनसे मदद, तो किस तरह की उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला नहीं, ये इनके पास पहले आए, ये इन्होंने इनको कॉन्टैक्ट किया पहले, और जुनैद कलीवाला को कांटेक्ट किया, और जुनैद कलीवाला ने क्या बताया बताइए? तो इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, और पहले भी शायद इनका दूसरा अकाउंट था जिससे वो ट्रांजेक्शन किए थे, वो डिलीट हो गया। मैं इनको काफ़ी टाइम से देखता था बिकॉज लाइक्स वगैरह करते रहते थे। इन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन है और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरे पास में इनकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है, जो फर्स्ट कॉल इनको मैंने किया था। सुनाओ वो रिकॉर्डिंग, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैंने इनको कुछ बोला है, कि ये पहला कॉल जो इन्होंने इनको किया था, क्योंकि हमको पता था ये आगे आने वाले टाइम में ऐसा होता है, हम किसी के लिए खड़े होंगे तो लोग बोलेंगे हम बहुत गरीब हैं, हम पे जुल्म हो रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, और आप लोगों को 2-2 लाख, ये एक्चुअली एक एक दुकान से 8 से 10-10 लाख रुपये का स्टेरॉइड बिकता है हर महीने। आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा। इसलिए इनके पास जब इन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला भाई इसने अपने को अप्रोच किया है, इसकी रिकॉर्डिंग है क्या? ये देखो, 8 सितंबर को इनका पहला मैसेज था, उससे पहले मेरा इनका कोई मैसेज नहीं है बिकॉज ये नया अकाउंट है इनका। इन्होंने हमको अप्रोच किया, हमने नहीं ढूंढा। अभी किसी को प्रूफ के लिए चाहिए तो 8 सितंबर को तो मैं गलत डेट नहीं डाल सकता नंबर। आपका नंबर बताइए। 8077668466 भाई, यहाँ पर मुझे भी कॉल आने लगे, फिर इसको भी कॉल आने लग जाएगा। आप लोग नंबर चेक कर सकते हो 8 सितंबर को। यू हैव द प्रूफ, दैट इज व्हाट रियली 8 सितंबर को जो इन्होंने मुझे मैसेज किया इनका नंबर, वो नंबर मैं आज क्या तारीख है 16-15 जो भी सितंबर, अब वो इंस्टाग्राम पे मैं 8 सितंबर तो नहीं दिखा सकता। तो इन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल लिया, फिर उन्होंने मुझे बोला भाई मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, मुझे मदद चाहिए। मैंने साहिल भाई को बात की, साहिल भाई ने बोले कि अगर बंदा जेन्यून है तो देखो, वी आर अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर और मैं तो प्रोफेशनल एथलीट हूँ, और कहीं ना कहीं हमें देख के बहुत सारे लोग जिम जाना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग के शोज खेलना चाहते हैं। बिकॉज मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया प्रो लेवल तक के, तो बहुत सारे लोगों को हमारा काम है इंस्पायर करना। और मुझे लगता है एज अ फिटनेस प्रोफेशनल, एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, हमारा एक्चुअल जॉब ये है कि लोगों को सही रास्ता दिखाए और जो गलत है उसके बारे में अवेयरनेस करें। अब मैंने साहिल भाई को बोला, मैंने बोला साहिल भाई आप इसमें साथ देना चाहोगे? बिकॉज ये बहुत अच्छा मौका है लोगों को अवेयरनेस। देखो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसने मेरी बहन के साथ में भाग के शादी कर ली, ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट एक अवेयरनेस की बात थी। और ये बहुत टाइम से चल रहा है, आप लोग तो मीडिया वालों मेरे से ज़्यादा, आपको पता है कि कौन स्टेरॉइड की वजह से कितना मर रहा है। हर दिन एक हार्ट अटैक का केस आ रहा है, एक किडनी फेलियर का केस आ रहा है, एक लीवर केस आ रहा है, लेकिन कोई स्पीक नहीं करना चाहता बिकॉज लेने वाला भी डरता है वेरी फ्रेंकली कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, और देने वाला भी डरता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। फेमस लोग की भी डेथ हो रही है, बहुत फेमस एथलीट्स की भी डेथ हो रही है, ये सब अभी हो रहा है ना 2-4 साल में। अभी रिसेंटली आप देखो गुजरात में एक डेथ हो गई थी, इंसान जिम में कार्डियो से बाहर निकला, बैठे बैठे मर गया, देखा होगा। तो ये सब कैसे हो रहा है? स्टेरॉइड डॉक्टर्स यूज करते हैं। देखिए कोई अगर स्टेरॉइड यूज कर रहा है, आप में से भी यूज कर रहा है या अदरवाइज भी यूज कर रहा है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा वो नहीं है। हो सकता है वो डॉक्टर्स के साथ पूछ कर ले रहा हो सकता है उनके पास डॉक्टर रिकमेंडेड प्रिस्क्रिप्शन हो, ले रहे हो। मुझे स्टेरॉइड लेने वालों से, चाहे वो एथलीट हो, सेलिब्रिटी हो या जो हो, उससे मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो स्टेरॉइड बेच रहा है और स्टेरॉइड बेचने के साथ साथ एक्सपायर स्टेरॉइड, फेक स्टेरॉइड बेच रहा है, आप इज इन दैट डेंजरस? इस स्टेरॉइड की वेबसाइट पे जाइए, ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल ही नहीं मिलेगा। और दिखाना बिल सारे फ्रॉम द हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री, तो यू आर आल्सो कंसर्न एक्चुअली Because नहीं, मैंने बोला भी है मुझे नॉलेज नहीं थी, उन्होंने बताया मुझे पेप्टाज है, अभी आज की डेट में मुझे नॉलेज है, मुझे दो साल पहले कोई नॉलेज भी नहीं थी क्या चलाना है, जो मुझे दिया उन्होंने वो चला लिया। मैंने बोल रहे कुछ चला, ये जो रिसीट है, रिसीट पे जो डेट है वो तो 2 साल पहले की आप नहीं लिख सकते ना कुरियर रिसीट पे। ये मनोज पाटिल देखो, तो बात ये नहीं है कि किसने इसको बोला, ये इन पे से अट गया है, बाकी जो है इन पे जो मैं दिखाता हूँ आपको, मनोज पाटिल ठीक है, ये भी देखो मनोज पाटिल मुंबई राज फौजदार,
ये भी। अच्छा अभी साहिल जी, अब ये फोन वो दिखाओ, बैंक की रसीद। थैंक यू जी। मनोज पाटिल ने मतलब उन्होंने अपने खत में लिखा, उन्होंने मतलब पुलिस में आपके अगेंस्ट कंप्लेन भी की है, तो ये 5 दिनों में या 7-8 दिनों में ये किस तरह से मतलब हुआ, या आपने कभी उनसे कुछ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की? अपने आप में पहली बात तो क्राइम है, ये है या नहीं है क्राइम? के खुदकुशी करना क्राइम है इस देश में? नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको वो समझना चाहिए लॉ। 2 लाख रुपए की सप्लीमेंट स्टेरॉइड के बिल्स मेरे नहीं हैं, उनके हैं। पहले आप जुर्म करें, उस आपके घर के बाहर मैं चरस बेचता हूं, गांजा बेचता हूं या कोई ड्रग बेचता हूं, और उसके बाद आप सोशल नेटवर्क पे डाल देते हैं, तो क्या मैं ये बोलूं कि ये मुझे बुली कर रहा है? तो मैंने अगर जुर्म किया है मुझे सजा दीजिए, आप लोग मीडिया हैं। मैंने सिर्फ सच बोला है, जो इन्होंने बोला वो मैंने अपने सोशल नेटवर्क पे अपलोड किया। इन्होंने तो मुझसे सर ने बोला था कि अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो मैं साथ दूंगा, बाकी अगर गलत होगा तो कोई साथ नहीं है। तो मैंने सारे प्रूफ दिखाए, इनको सच लगा तो इन्होंने सच का साथ दिया। इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, इन्होंने सच का साथ दिया। ये कि अगर उनका ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप तो है नहीं बीच में, तो आप पे क्यों इल्जाम आ रहे हैं? अब हमारा ट्रांजैक्शन हुआ तो आप तो बीच में नहीं है, तो मीडिया क्यों आ रही है? नहीं, इनका कहना है इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे उनको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उन्होंने वो पुटअप किया था। इसके बाद आपका क्या एक्शन होगा? आप पे तो आरोप लगे हैं, तो आपका क्या एक्शन? मैं लीगल जाऊंगा, अभी मैं दिल्ली से आया हूं, तो अब मैं लीगल जाऊं, क्योंकि मुझे शुरू में लगा कि सोशल नेटवर्क पर डालने से कोई भी आदमी को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, और आदमी सीधा सीधा फोन करके इसको बोलता है कि भाई तेरे 2 लाख रुपए ले ले, पैसे ले ले, मैं सॉरी बोल देता हूं, तुम अपने रास्ते में। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा होगा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करके उस मैटर को राज फौजदार वर्सेज मनोज पाटिल को हटा के राज फौजदार वर्सेज साहिल खान कर दिया। साहिल खान से कोई लेना देना नहीं है उनका, और इसके बारे में मेरे यहां आने से पहले तक कोई बात भी नहीं कर रहा है। सिर्फ बात यह हो रही है कि साहिल खान की वजह से किसी ने जान देने की कोशिश की। भाई मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने इनके लिए बोला था मेरी आवाज शायद ज्यादा सुनी जाती है या जा रही है इस मैटर में, तो उन्होंने वैसे स्टोरी बना दी, और इसका क्या होगा? He is also into a fitness industry the way you are. He also has a followers actually, you know. तो लगता है कि वो थोड़ी सी ट्राइबलरी होती है या I don't know, ऐसा आपका मानना है? अच्छा, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई थी क्या? नहीं, वो तो मुलाकात नहीं, देखिए हम सब एक दूसरे के कम्युनिटी है, मुझे उनसे पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारी कंपनी के लिए 2017 या 2018 में काम भी करते थे 10,000 रुपये पे और एज अ इन्फ्लुएंसर, तो मेरा उनका कुछ पर्सनल है ही नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरी कंपनी छोड़ी और अपना काम करने लगे, हम अपना काम करते, उनकी जगह हमने किसी और को हायर कर लिया। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम इन पर्सन। ये मीडिया में जो आया न्यूज़ कि साहिल खान की वजह से, आप मुझे बताइए उस लेटर में सबका नाम लिखा है या जिसका भी नाम लिखा, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, उसमें ये क्यों नहीं लिखा कि राज फौजदार ने साहिल खान को ऐसा बोला और साहिल खान ने सोशल नेटवर्क पर डाला, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ? बिल्कुल, अभी मैं मुंबई उतरा हूँ, जैसा कि आप लोग को पता है, मुझे आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए, सीधा आपके पास मैं आया हूँ, और डेफिनेटली जो लॉयर्स हैं हमारे वो करेंगे, शिकायत दर्ज करेंगे, और क्योंकि ये इतना बड़ा रैकेट है, इसमें FDA इन्वॉल्व भी होनी चाहिए। जो भी लोग नकली सप्लीमेंट बना रहे हैं, नकली स्टेरॉयड बेच रहे हैं या असली भी बेच रहे हैं, उनके साथ एक्शन लेना चाहिए। और जो मेरा जुर्म है, अगर कुछ आप लोग को लगता है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने जब खरीदा था, खरीदने के बाद अभी कितने दिन हो चुके हैं, इसके बाद में उन्होंने कभी शिकायत करने का प्रयत्न किया, शिकायत कहीं पे करवाई है क्या? आपसे इन्होंने कहा कि इन्होंने शिकायत इसलिए नहीं की, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि 2019 से क्यों नहीं की आपने शिकायत 2019 में जब आपके साथ ऐसा हुआ। मैं पूछता इससे, आप पूछिए, जवाब दीजिए। मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि वो मुझे ऐसे ही टरकाते रहे बात को कि मैं पैसे दे दूंगा, कभी मैं आगे डीलर से बात करता हूँ, वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाई भी है, चलाई भी है भाई ने अभी। तो इसमें ना तो लॉकडाउन हो गया था, फिर बोले कि लॉकडाउन है अभी, रुको रुको, ऐसे मुझे ऐसे ही खींचते गए
अभी जब लॉकडाउन हट गया तो मैंने उन्हें बोला, अभी 25-30 दिन पहले मैसेज किए उनको मैंने, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे सीधी गाली दी और मना कर दिया कि मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा। जिस दिन हमने वीडियो बनाई थी, जिस दिन सर ने मेरा जो वीडियो बनाया था, उस टाइम पे मैंने कॉल रिकॉर्डिंग बाय का था उनके नंबर पे कल करके ना, वो दिखाया हुआ है कि देखो इनका नंबर है और ये मैं बात करता हूँ, आप सारे देखो क्या बोलते हैं। उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला है, उस टाइम पे भी मुझे धमकी दिला रहे हैं किसी से करके, गाजियाबाद आके दिखा साले तू, ठीक है। वो आपने तो वीडियो में देखा होगा कि अभी जो आपको सुना है, धमकी इतना टाइम नहीं मिला मुझे, अभी परसों ही तो आई है, बाकी इतना मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं तो किसान फैमिली से हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आज ही करेंगे। साहिल जी, इस पूरे इस वाक्य में उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि उनके और उनके पत्नी के बीच का जो झगड़ा है उसका फायदा लेकर उनके ऊपर कहीं पे शिकायत दर्ज हो सकती है, और इसको लेकर भी उसने ये सुसाइड का नोट में लिखा हुआ है। तो उनके पत्नी से आपका कुछ बातचीत हुआ था या इस तरह का जो आरोप उनके लेटर में है? देखिए, ये तो आप उनकी पत्नी से ही पूछें कि उनके और उनके बीच में क्या है। उनकी पत्नी से, उनकी पत्नी के बारे में मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? वो उनका स्टेटमेंट उनकी पत्नी देंगे, ये ऐसा उनका मानना है। अब अभी आपके सामने जिस लड़के ने मैसेज किया व्हाट्सएप, ये 2 मिनट पहले ही होगा, सेटअप तो नहीं है। अब आप उस पर भी लिख देते कि ऐसा मानना है कि मेरा उससे कोई संबंध है। उनके किससे किससे प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पत्नी में क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस राइवलरी क्या है, ये उनका ऐसा मानना है। उन्होंने सारी चीज़ों को जोड़कर लिख कर आप लोगों को दे दिया लेटर, सिवाय इसके कि भाई बात शुरू कहाँ से हुई। बात शुरू हुई है कि इसने मुझे 2 लाख रुपए का कंप्लेन किया तो मैंने YouTube बनाकर डाल दिया अपने चैनल पे, उसके अलावा सब लिखा उन्होंने। अभी भी जितने एथलीट आ रहे हैं वो देख के आए हैं, मैंने डाली है, सर ने डाली है वीडियो मेरी, तो सब ने देखा गलत हुआ, तो अभी निकल के आ रहे हैं जितने भी हैं जिनके साथ उन्होंने गलत किया। इसलिए स्टैंड किसी ने नहीं लिया क्योंकि वो फेमस एथलीट हैं, सबको पता है। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, जो लोग भी अब ये चैनल के थ्रू जितने लोग देखेंगे, और अगर वो लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं मनोज पाटिल को साथ देना, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मनोज पाटिल को साथ आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है, स्टेरॉइड का रैकेट चल रहा है, आप खुद माल बेचते हैं, आप खुद जिमों में लड़कों को देते हैं। ये कब रुकेगा? जब किसी गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर के बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा। अभी तक तो आम पब्लिक मर रही है, हम सब न्यूज़ डालते हैं और रेस्ट इन पीस लिख देते हैं। अच्छा, मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता फिर? कुछ नहीं, रेस्ट इन पीस रख के तुम्हारे लिए भूल जाते लोग। जी सॉरी, मनसे ने भी इन्वॉल्वेशन दिखाया है और वो शायद आपसे कल बात करने वाले या उनकी बात आपसे होने वाली है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं उनके और आपके बीच? बिल्कुल, मुझसे जो, जब आप सबसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझसे कोई भी बात करना चाहे वो कर ले। ये सारे प्रूफ कोई भी, अभी ये सब आपको दिख गया है, आप लोग ले जाइए, चेक करिए कि हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। क्या सचमुच का 2 लाख रुपए दिया गया है? क्या इस देश में स्टेरॉइड बेचना लीगल है ऑन द फर्स्ट प्लेस? जो मुझसे बात करना चाहे मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं गलत हूँ मुझे सजा दीजिए। लेकिन अगर ये सब सच है तो फिर आप लोग को भी ऐसी स्टोरी चलानी चाहिए कि ये गलत है, वरना आप में से घर में से कोई आदमी कुछ लेगा, फेक सप्लीमेंट स्टेरॉइड, और किसी की डेथ होगी तभी एक मुहिम चलेगा, वरना ये सब चलता रहेगा। तो आप मानते हैं कि फिटनेस जो इंडस्ट्री है एक्चुअली उसमें इस तरह के जो स्टेरॉइड होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू बीन टेलिंग कि इट्स अ बिग रैकेट। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक लड़का 2 लाख रुपए का माल लेता है किसी से, एक लड़का, अगर एक आदमी 10-20 क्लाइंट बना ले तो महीने का कितने का स्टेरॉइड बेच लेता होगा आपके हिसाब से? आप ओवरऑल समझ रहे हैं इसका बिजनेस का वैल्यू कितना हो गया? 50 लाख। ये एक आदमी की बात कर रहे हैं, और ये पूरे देश में जितने लोग बेच रहे हैं वो कितने करोड़ और कितने 100 करोड़ का वो स्टेरॉइड है जो घरों में बन रहा है, लोग ले रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लोग मर रहे हैं जिम में, कभी देखा आपने पूरी जिंदगी में? मैं 30 साल से जिम कर रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी किसी को जिम में मरते नहीं देखा, अब तक नहीं देखा था, 2 साल, ये 2-4 साल से देख रहा हूँ। साहिल जी, लोगों से क्या आह्वान करेंगे? यही कि अगर आप लोग स्टेरॉइड लेते हैं मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएं, जो एक सही तरीका है वो करिए, अगर इट इज़ फॉर बेनिफिट, आई बिलीव इन साइंस। आप लोग को जो करना है, सप्लीमेंट लेना है, स्टेरॉइड लेना है, फेक मत लीजिए, असली लीजिए, और जो डॉक्टर आपको बोलते हैं उसको फॉलो करिए। लेकिन
जो लोग इसका बिजनेस बनाकर सही लोगों को फेक सप्लीमेंट बेच रहे हैं, वो तो आप लोग को ही रुकना पड़ेगा ना, वरना हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सिर्फ हम एक न्यूज में चैनल देखते हैं, एक आदमी गिर गया मर गया बैठे बैठे, जवान लड़का। ये मैंने आपने यूथ आइकॉन बोला सुन के अच्छा लगा मुझे। अब यूथ आइकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा ओलंपिया है वो भी मुझे अवार्ड देने वाला है। मुझे वो किया गया है जी, नॉमिनेट किया गया है जी, शायद मिल जाए, दुआ करिए। तो आपने कभी ऐसा कोई, यू नो इट्स अ बिग इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, एंड सो मेनी इयर्स आप इसमें हो, आपको लोग बहुत से लोग फॉलो करते हो, तो कभी आपने भी कोई ऐसा स्टैंड लेने की मैं कहीं पर कंप्लेन करूं या यू नो एक कुछ वेयर? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, देखिए मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, अगर मेरे पास कोई आया हेल्प मांगने इसको, तो मेरे पास एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम। आप लोगों के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आप मुझसे पूछ रहे कि मैं स्टैंड, मैं मेरी औकात क्या है, मैं कौन हूँ? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। हजारों करोड़ का स्टेरॉइड फेक सप्लीमेंट पूरे देश में बनता है, बिकता है, रैकेट है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो आप लोग करेंगे ना, मेरी क्या औकात है? मैं तो अपने इंस्टाग्राम पे एक आदमी आया उसका डाल दिया, उसमें एक आदमी ने जा करके फेक वो बना दी कि मैं जान देने जा रहा हूँ, उसको लोगों ने सिंपथी करके घुमा दिया, इसको हटा दिया साइड से। अब साहिल खान वर्सेस दिस, वो इमोशनल जो कर रहे हैं, मुझे आप बताइए इज इट राइट टू डू दैट? ये सब जो आपको प्रूफ मिले हैं, आपको लगता है ये सब फेक है, सेटअप है? इसमें कौन क्या क्या चीज आपको सेटअप गलत साबित करिए और मुझे सजा दीजिए। अच्छा अभी आपको ओशिवारा पुलिस स्टेशन या कहीं से आपको कुछ कॉल आया है? आए होंगे क्योंकि मैं फोन आए होंगे, लेकिन मेरे फोन साइलेंट पे है और फोन उठाया नहीं, और मैं अभी लैंड किया हूँ, तो जरूर आए होंगे। अगर कंप्लेन हुई है तो जो मुंबई पुलिस है वो जो एक्शन लेगी मैं उसको मानूंगा, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ और ये बहुत बड़ा रैकेट है, तो आप लोग इस रैकेट को रासफाश करिए, सच जो है उसका साथ दीजिए। आप जाने वाले हैं पुलिस स्टेशन? आप इसके जी ज़रूर जाऊँगा, ये तो शुरुआत में इतना बड़ा था नहीं, मुझे लगा कि भाई इसके पैसे मिल जाएं, हम सब का अब दाल रोटी अपने अपने घर में चल रहा है, मुझे क्या इतना एनर्जी डाल के करने की ज़रूरत नहीं है, है ना? ये मेरा, मैं वो तो नहीं हूँ ना इस देश में कोई, बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन अब जब किसी ने जान देकर लेटर लिखकर इल्ज़ाम लगा दिया और गलत तरह से उसको इमोशनली, जस्ट बिकॉज पहले जो हो चुका है हिंदुस्तान में इतने बड़ा हुआ है, उससे सिंपथी लेने के लिए, तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये मुझे सामने आकर आपसे बात करनी है, मुझे प्रूफ करना है कि मैं सच बोल रहा हूँ। अब लीगल जो होगा वो स्टेरॉइड बेचने का लीगल जो भी है, FDA वाले लोग बताते हैं, इतना बड़ा अभी NCB का चल रहा है, सबको पता है कि कितना बड़ा NCB का रैकेट चल रहा है, वो जो कानून होगा वो करेगा। आप जाने वाले? बिल्कुल जाऊंगा, 100% जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, और मेरे लॉयर से बात हुई है, जो भी इसका लीगल एक्शन है वो बिल्कुल लूंगा। मैं लॉयर के पास पहले जाऊंगा मेरे ख्याल से, और उसके बाद जैसा टाइम होगा प्लान करके कि भाई हम सही, क्योंकि क्या होता है मैं इसलिए सामने आकर बोल रहा हूँ कहीं मेरे मुंह से कोई शब्द गलत निकल गए, क्योंकि अभी सिंपथी लेनी है, इमोशनल एंगल उधर से है, तो कहीं मेरा कोई शब्द जोश में गलत ना निकल जाए, फिर आप लोग मेरे कपड़े फाड़ देंगे, है ना? थैंक यू भैया, ये सारे बिल इनको दे दो। हाँ बॉक्स के साथ खड़े हो, स्टेरॉइड ले, ये लीजिए, बिल ला, उठो खड़े हो, सामान निकालो, खड़े नहीं होना, ओपन आगे बन रहा है, बीच में कोई आया बैठ के, नहीं आप खड़े हो, ओपन की मैं इनको बोल रहा हूं, कैसे में चलेगा राज? अभी आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, अभी देखिए आप जी जी सॉरी, हाँ क्या पूछ रहे हैं सर? जिस तरह से अटैक आया अचानक, युवा था, उसको लेकर के क्या कहेंगे? मित्र थे मेरे और बहुत पहले से दोस्ती थी हमारी, लेकिन दोस्ती मतलब 2005-06 में जब हम पार्टी वार्टी करते थे कई बार, दोस्ती थी, बहुत शॉकिंग है कि मतलब क्या हुआ कैसे हुआ यकीन अब नहीं आता। आई होप कि कोई ट्रेनर ने या किसी ने उसको कुछ मतलब मिसगाइड ना किया हो, आई होप इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, और यही कह सकता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो, घर वालों को उनके, उसकी जगह मैं भी हो सकता था,
उसकी जगह ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता, कोई भी हो सकता था, तो इसीलिए डर तो लगता है ना। बात आपने जो सवाल किया मुझे, अब मैं मिलाता हूँ आपको, इनका नाम है मिस्टर अदनान, और आप क्या बोलना चाहेंगे बताइए। मिस्टर अदनान आप कौन हैं? मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि जो इनकी मैनेजर है परीनास, उसका उसका हस्बैंड हूँ मैं, और मेरे साथ में ये बहुत सारी चीज़ें गलत हो चुकी है। इधर ना, इधर आओ, फिर से बोलिए आप कौन हैं और क्या, क्यों यहाँ पे आए हैं आप? आप मनोज पाटिल के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, क्या प्रूफ है आपके पास? वो वीडियो दिखाइए। मेरी आवाज ऊंची है ना, बहुत पुराना हूं ना मैं क्या बेस से डब करने की आदत, ये तो बच्चे लोग हैं ना अभी नए नए जी। आप इनको वीडियो दिखाइए। पहले तो मैं ये फोटो दिखाना चाहता हूँ, पहले सारे फोटो हैं, और इनका अकाउंट है आई परिनास करके, आप जाके देख सकते हो उनके अकाउंट में कि कैसी फोटो मैनेजर के साथ में चिपक के डालते हैं। होल्ड होल्ड, ठीक है, होल्ड होल्ड। और किसी से हेल्प मांगते हैं हम लोग तो उस पर इल्जाम लगाते कि पैसा लेके बिक गया, ठीक है, लाइट बंद हो गई। ये है एक और एक प्रूफ बताता हूँ जो अच्छा है। तो आपका बोलने का मतलब क्या है, मतलब खुल के बताइए इनको, ताकि नहीं नहीं बताओ बताओ भाई, हम नहीं बताएंगे तो वापस से उधर से एंगल चलेगा कि फंसा रहे ये रोलते पैसे लेके कर रहे हैं ना। हाँ, वो सब बताने का इनके सामने, यही यही अभी इनका कानून चलता है। बहुत साल हो गए ना, सब समझ गया हूँ मैं। नहीं, आप कौन है वो बताइए और क्या हुआ पहले वो बताइए। मनोज पाटिल से आपका क्या संबंध है? सबसे पहले तो मैं एक साल पहले मिल चुका हूँ उनसे, और मैंने उनको कॉल भी किया था कि मुझे पता चला कि उनके पास मेरी जो वाइफ है काम करने के लिए गई, और हम लोग का झगड़ा चल रहा था, बट हमारा डिवोर्स अब तक हुआ नहीं है फाइनली, पूरा कुछ भी नहीं हुआ है, और मैंने कोर्ट में ये सब चीज़ों को केस किया हूँ। तो मैं, मुझे पता चला क्योंकि मुझे बंदे के बारे में बहुत पहले से पता है कि ये लड़कीबाज है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं किसी से ना कोई, मुझे कोई भाई लड़कीबाज होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ सर, लड़की बात होना और जो इंटेंशन जाता है लड़की को देख के, मैंने खुद देख चुका हूँ क्योंकि मैं खुद कंपटीशन खेल चुका हूँ उनके साथ में, और तो मैं देख चुका कि वो बहुत बड़े ऐसे हैं, तो मैंने उनको पहले ही समझा दिया। पहले मैंने मेरी वाइफ को कॉल करके पूछा कि भाई क्या ये जो बंदे के हाथ में तू ये जो कर रही है, काम कर रही है, थोड़ा संभल के करना। तो वो पूछ रही ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि उसका उसकी आदत कैसी है, बट वो नहीं मानी क्योंकि हमारे बीच में झगड़ा चल रहा था। तो अगर वाइफ और हस्बैंड के बीच में झगड़ा चलता है कोई भी चीज़ों का, तो वो कैसे एक्सेप्ट करती है हर चीज़ों को, नहीं करती है। तो मैंने मनोज पटेल सर को कॉल किया, पर्सनल नंबर से कॉल किया, और उनको बताया कि भाई मेरा ये मसला चल रहा है, तो प्लीज़ आप ज़रा थोड़ा न्यूट्रल रहना क्योंकि अभी मेरा चल रहा है मसला। तो उन्होंने मुझे पहले बार तो सबसे पहले एक बात बोला कि अगर कुछ भी आगे अच्छा या बुरा कुछ ऐसा होता है, मैं उसकी हेल्प तो करूँगा, बट अगर आपकी वाइफ के साथ मेरा कुछ गलत इंटेंशन अगर आपको मालूम पड़ता है तो आप मुझे चमाट मारना, ये बात उन्होंने बोला है मुझे, ठीक है। तो मतलब ठीक है सर, आप इतने हम्बल पर्सन बन रहे हो तो ठीक है, मैं फ़ोन कट कर दिया। बट तीन चार दिन के बाद मैंने देखा कि मेरी वाइफ उसके साथ में स्टोरी डाल रही है, उसके जिम में स्टोरी डाल रही है, तो मैंने फिर से कॉल किया उसको, मतलब भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो और आपने बोले भी थे कि अगर आपकी वाइफ, नहीं नहीं वो पॉइंट नहीं है, सुनिए आप मुझे एक बात बताइए, इतना टाइम नहीं है इनके पास। आपका नहीं ना बाबू, समझा करो, कट जाता है शॉर्ट, मोदी जी बोलते हैं कट जाता है, समझो पॉइंट बताओ कि तुमने उनके खिलाफ एनसी की, वो जो 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 हमको बता रहे थे ना कट्टू में, वो कट्टू में बताया करो। मैं मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा सीन चल रहा है, तो मैं इनडायरेक्टली घर चले गया उनके। वो वीडियो दिखाइए, आप उनके घर गए थे मनोज पाटिल के, वो फॉरवर्ड करिए सबको। हाँ, वो मैंने भी देखी है, वो वीडियो देखा। सर मुझे भी जॉब दे दो, आप सही कार्ड देता हूँ। हाँ सर दिखाइए, वीडियो मैंने डाला था अभी, मेरा आईजीटीवी कल एक डिलीट हो गया। नहीं आप इधर दिखाओ, पास जाना भैया, खाने का टाइम हो गया सबका। फेवरेट में रख लेनी थी, वो फेवरेट में रखना चाहिए ना तुमको, मैंने तो फेवरेट वो इसके पास है ना भाई, हम लोग को फॉरवर्ड किया। ये देखिए मनोज पाटिल के घर गए थे, आपकी भी उनके घर पे, तो क्या हुआ? घर पे हुआ और उनकी सर आप दिखाइए वीडियो, आवाज भी कर लो। बार बार यही है।
है, बुरी छमाट पड़ेगा तो सही हो जाएगा, मतलब जो मेरे से इतने अच्छे से। और वो पुलिस स्टेशन वाला भी दिखाइए, कट्टू में आया करो यार। हाँ अरे सीख जाओगे, कोई बात नहीं, दुनिया है, हम भी ऐसे ही धक्के खा के सीखे हैं, पहले हम भी ऐसे ही थे स्टाइल के टाइम पे, अब प्रो हो गए। सबसे अच्छा तरीका होता है कि सच बोलो तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ गले फाड़ के। मैं ये पुलिस स्टेशन में सर खड़े हैं आपके, मनोज सर, क्या आपने कंप्लेन की? मैंने की है। अच्छा दिख रहा है ना, तो आपको क्या शिकायत है उनसे? अरे बोलो भैया आपका पैसा। मैं शिकायत करना चाहता हूँ कि जो ये करते हैं, जो हम्बल पर्सन बनते हैं, वो ऐसे है नहीं। और बहुत सारी चीज़ें गोवा में भी जाके मिल रहे हैं, और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें अनाप शनाप मुझे आया था। और ये सब चीज़ें होने से पहले मैं भाई से मिला था एथलीट बनने के लिए, तो मुझे डिवाइन का एथलीट बनाया थे भाई ने। उसके बाद से बहुत ज़्यादा ही आने लगा, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि डिवाइन का एथलीट बन के बिक चुका है और जानबूझ के ये स्टोरी बता रहा है। तो कोई भी अपनी वाइफ के बारे में बुरा कभी सोचेगा या ऐसा कभी आएगा खुल के? मैं एक डेढ़ साल से जो भी है ना जो सर्वाइव कर रहा था, बट मैं किसी को बता रहा नहीं था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। अरे भैया सुनो, तुम्हारा नाम तो लिखा ही नहीं है लेटर पे। एक्चुअली क्या पता है, बीवी तुम्हारी घुमा रहे हैं, नाम मेरा लेटर पे लिख के जा रहे हैं, मसला हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं, कहने का पॉइंट सिर्फ ये है कि इनसे इसलिए मिलाया है कि वो इंसान जो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई लेना देना उनका नहीं है, उनके और भी अलग अलग सेक्शन में ड्रामे चल रहे हैं, किसी और का फ्रस्ट्रेशन है जैसा कि आपको मैंने बताया, उसका सारा चीज निकाल के मेरे ऊपर डाल दिया गया है। अब आप लोग खुद इंसाफ कर लीजिए और जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा न्यूज चलाइए, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ मैं दे चुका हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा। शुक्रिया जी। हाँ एक सवाल मैं आप सब लोगों से करता हूँ, ठीक है, एकदम लॉजिकल सवाल। आप लोग में से आई थिंक ये वायरल बॉलीवुड का मैंने वीडियो देखा था, कौन है इसमें वायरल बॉलीवुड में भाई? आप कितने बजे थे कल वहाँ पे ऊपर हॉस्पिटल के बाहर? तकरीबन 2:30 बजे के टाइम। 2:30 बजे के टाइम, तब तक की मेडिकल रिपोर्ट आ गई थी? नहीं। तो कैसे पता चला कि ये सुसाइड अटेम्प्ट किया है? ऐसा भी तो हो सकता है ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड होगा, वो तो पता नहीं। नहीं आपने ही वीडियो लिया ना, मैंने ही वीडियो देखा। अरे उनको अपना एंगल ना, व्यू चाहिए भाई, चलो कोई बात नहीं, मेरा भी चैनल है। नहीं, 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 अरे भाई, इसलिए पहले थोड़ा लाइक कमेंट सब्सक्राइब, सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, लेकिन एंगल चाहिए होता है पागल। सर मैं बताता हूँ, मैं भी था दोपहर में, मेरा दिन से बात हुआ है, दिन ने बोला है अभी उनका प्रकृति स्थिर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने किया होगा। देखो ऐसे चीज इंसान कब करता, मैं आपको बताता हूँ, जब ये इंसान डिप्रेशन में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, मेंटली चैलेंज, बहुत सारे फैक्टर है। और इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 2017 में हेल्थ केयर एक्ट निकाला है, मुझे आईपीसी सेक्शन याद नहीं क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, आप लोग देख लेना। और वो हेल्थ केयर का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई इंसान अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो उसको पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करने के अलावा उसको मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है वो भी दिया जा सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो वीडियो लिया वो गलत है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि बिफोर मेडिकल रिपोर्ट केम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये अटेम्प्ट है। इट कैन बी पॉसिबल ना, अभी जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैंने इनको बोला भाई मेरा पेट दुख रहा है, इन्होंने मुझे कॉपर लेके चले गए, आप आए, इन्होंने बोल दिया कि भाई तो इसका मतलब क्या? आप समझ यार इतना सब कुछ नहीं करके तुम भी एक लेटर लिख के चले जाते तो काम कितना पूरा देश का सपोर्ट मिलता तुमको। अरे तुम्हारी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कब माना जाता है कि एक इंसान ट्रेन के आगे आ गया और किसी ने बचा लिया, अटेम्प्ट किया, पानी में डूब गया, उसको निकाल लिया, तो कंफर्म अटेम्प्ट है। आप बिना मेडिकल के कैसे बता रहे हो? नहीं अभी अभी बोलने वाले को बोल रहा हूँ कि आपने बोल दिया बिना मेडिकल। हमारा बेसिक सवाल ये है, अच्छा उनकी वीडियो में, उनकी वीडियो में मैंने एक चीज ये भी नोटिस करी, ठीक है, कि उन्होंने खाना खाया था, उन्होंने खाना नहीं खाया था, आदमी दो दिन से भूखा रहेगा तो उसको भी तो तकलीफ हो सकती है। नहीं अभी ब्लड टेस्ट करवा ले जो भी सपोर्ट, आप लोग तो तब तक बोर हो जाओगे, चैनल से हटा ही दोगे, लेकिन अगर आप लोग को टाइम मिले किसी को तो उनका ब्लड टेस्ट करवाइए, मालूम करिए कि क्या ड्रग है बदन में, हो सकता है कुछ ड्रग हो सकता है कुछ हो। भाई अभी इससे ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकता, भूख लग गई, थैंक यू, आइए माल निकालो ना यार, पेपर ऊपर कहाँ है, बिल कहाँ है पैसे के?
हाथों निकालो फोन के पैसे ले लीजिए ड्रग पकड़ी है ड्रग वाला बोल रहा है यार मुझे मेरा नाम ड्रग वाला नहीं और भी है ये जो है ये जो है आप देख लीजिए बैंक की डिटेल है और भी है इसमें बैंक की डिटेल है ये मनोज पाटिल को पैसे गए हैं 2 लाख ये मेरे अकाउंट में नहीं आए हैं और ये अगर जुर्म नहीं है तो कोई बात नहीं फिर हम भी कल से यही सब धंधा करेंगे फिर काहे परेशान हो रहे हैं ठीक है। शुक्रिया थैंक यू वेरी मच।